अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको मैं बिग मिस्टेक बताने वाला हूँ जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह करते हैं। अगर आप भी घर में सीलिंग फ़ैन वगैरह इंस्टॉल करवाने लगे हैं तो ये चीज़ें लाजमी से आप ख़ुद भी चेक कर लिया करें कि सीलिंग फ़ैन में जो यहाँ नीचे जो होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो काबला नज़र आपको आ रहा है, यहाँ पे एक तो काबला फुल टाइट करवाना है और इसके साथ में एक कॉटर पिन लगी होती है, तो उस कॉटर पिन को भी आपने लाजमी से टाइट करवा लेना है। क्योंकि कॉटर पिन जब होगी और उसको आप बैंड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो चूड़ी है वो खुलती नहीं है, क्योंकि जब फैन चलता है तो ये मूविंग करता है, वाइब्रेट भी करता है, इससे चूड़ी खुलने का खदशा होता है, मतलब वो चूड़ी इससे खुल सकती है। और बाज़ अवकात ऐसे हालात हमने देखी भी हैं, किसी के सर पे लगा, टांग पे लगा या सोते हुए नीचे सीलिंग फ़ैन गिर गया, तो इससे इंसान की मौत वाकई भी हो सकती है। तो ये बहुत एक डेंजरस मसला है, तो इस पर लाजमी चेक करें। एक तो ये, और ऊपर भी जो ये पाइप लगाते हैं ना, मतलब वो कुछ और हम लगाते हैं 1.5 फुट का रॉड लगाते हैं या 2 फुट का रॉड लगाते हैं, एक तो उसका पाइप अच्छा होना चाहिए और दूसरा उसमें भी कॉटर पिन वगैरह और कट पिन आपने लाजमी से लगानी है, नहीं तो इससे सीलिंग फ़ैन गिर जाते हैं। जैसा कि अब मेरे पास ये एक सीलिंग फ़ैन का आप देख सकते हैं रॉड, और इसका ये जहाँ पे हम कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं, तो ये नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे कॉटर पिन लगाई जाती है। तो जब चूड़ी आप टाइट करते हैं और हल्का सा चूड़ी वाली साइड पे उस पर हमने कट, मतलब कंपनी वालों ने काट दिया होता है जिससे कॉटर पिन बआसानी गुजर सके, और इस साइड पर यह काबला लगा होता है जिससे टाइट करके चूड़ी हिल ना सके, मतलब उसे इतना टाइट कर दें। और दूसरा ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमने पेच और नट वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये भी कॉटर पिन का काम करते हैं, और इससे ये होता है कि सीलिंग फ़ैन की चूड़ी खुलने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता, क्योंकि इसमें होल होता है पाइप पे, ये दोनों साइड से होल हुआ है, और जब हम टाइट करते हैं तो इसे इसमें से गुजार कर ऊपर से इसे टाइट कर देते हैं, या कॉटर पिन लगा कर यहाँ भी आप स्क्रू कावला वगैरह लगा सकते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ तो ड्रैको कंपनी ने कॉटर पेन लगाई होती है, तो यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं होता, तो ये कुछ रीज़न है इस वजह से हो जाते हैं। और बाज़ अवकात ऐसे भी होता है कि पुराने ओल्ड जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, उनकी एक तो वेट बहुत ज़्यादा सीलिंग फ़ैन का होता है, ऊपर से चूड़ी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो इस वजह से भी गिर जाते हैं। तो वैसे ये चूड़ी ख़त्म होने वाले चांस तो बहुत कम ही होता है, लेकिन ये है कि बाज़ अवकात ऐसा भी हुआ है। तो अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो लाजमी आपने ये ध्यान करना है ताकि आप अपनी कीमती जान का हिफाजत कर सकें। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।